तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल के लिए। विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन है और विनोद जी के साथ हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हम डेटा को समराइज करते हैं। पिवट टेबल देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पिवट टेबल के बगैर आप काम नहीं कर सकते। सो पिवट टेबल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हमने यहाँ पे पिवट को सिलेक्ट किया, देन ओके किया, एंड यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले पिवट के लगाने के कुछ तरीके, कुछ नियम हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है डेटा को समझना जरूरी है, क्योंकि आप पिवट टेबल के जरिए रिपोर्ट एनालाइज कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पिवट टेबल है, आपका डेटा है, वो क्या है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सके। तो मेरा जो डेटा है वो एक सेल्स का डेटा है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिए का सेल दिया हुआ है, राइट राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे मुझे ये पता लगे कि इसकी नेम वाइज किस एरिया में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, बस मुझे यहाँ ये पता करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करके, अब पिवट टेबल को मैं देखिए डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप चाहते हो कि डेटा सिलेक्ट हो, तो अगर कब सिलेक्ट करेंगे, जब आपके पास पूरा का पूरा एक रो ब्लैंक हो, तभी आप सिलेक्ट करेंगे। पूरी की पूरी रो अगर ब्लैंक ना हो तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, यहाँ पे दे दिया सिटी, और यहाँ पे दे दिया क्वांटिटी। अब क्या किया हमने, देखिए मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। जब पिवट टेबल पर क्लिक करके ओके करेंगे, एक नई शीट ऐड करेगा, इसमें आपका पिवट टेबल इस एरिया में होगा, चार खाने, चारों में कोई रखना है। अभी आप यूज करते इसके बारे में पता है, इसे इतना बेसिक नहीं जाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने नेम को यहाँ रखा, हमने सिटी को यहाँ रखा, और हमने क्वांटिटी को यहाँ रखा। क्वांटिटी का सम आया तो आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये ब्लैंक है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक है, मैं चाहता हूँ जीरो होना चाहिए। तो राइट क्लिक कीजिए पिवट टेबल ऑप्शन पे, लेकिन राइट क्लिक कहाँ कीजिएगा, पिवट टेबल एरिया पे, और यहाँ देखिए जीरो है, आप यहाँ पे जीरो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए पूरा जीरो से हमारा फिल हो गया, ओके ठीक है सर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने सिटी को उठा के कॉलम में रखा है, लेकिन कॉलम में हम वही फील्ड को रखते हैं जिसकी क्वांटिटी कम हो। अब मान लीजिए इसमें, मान लीजिए मैंने डेट रख दिया, तो क्या लग रहा है इतना सारा डेट इतनी है, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। हाँ, अब इतना सारा डेटा आ गया, इसको नेविगेट करना तो बड़ा मुश्किल है ना सर, हॉरिजॉन्टल पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ करेंगे, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी भाई, मुझे पूरा डेटा, मेरे पास कॉलम डेटा है, उसका रिपोर्ट निकालना है, तो उस केस में आप उसको सब हेडिंग कर दीजिए इस तरह से, ठीक है ओके। इससे दो फायदे हैं कि इसमें आप इसको प्लस कीजिएगा, इस कॉलेज एक्सपेंड यहाँ पे होता है, ये देखिए कोलैप्स और एक्सपेंड, इससे क्या होगा, समरी ऑफ द समरी हो जाएगा। मान लीजिए सिटी वाइज रिपोर्ट है, मुझे जयपुर का सेल लिखना है, मैं जयपुर पर क्लिक करूँगा, जयपुर का सेल लिख लूँगा, ओके। तो बेनिफिट होगा इससे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तभी कर सकते हैं जब आप रिपोर्ट को पिवट टेबल के थ्रू भेज रहे हैं। लेकिन हमें क्या होता है, कई बार हम पिवट टेबल के जरिए समरी बनाते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं, किसी अलग सीट पे ले जाते हैं, उस पर और भी बहुत सारे कैलकुलेशन ऐड करते हैं, ओके क्या। तो उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में मान लीजिए उसको आपने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो होगा क्या कि पिवट टेबल पेस्ट स्पेशल करने के बाद यहाँ समझना मुश्किल है कि इसमें आपका सिटी कौन सा है और इसमें आपकी क्वांटिटी कौन सी है, सॉरी सिटी कौन सा है और नेम कौन सा है, मुश्किल है ना सर। अब इसमें स्पेशल पेस्ट करने के बाद कुछ तो ये नहीं आएगा ना, वैल्यू आपको समझ भी नहीं आएगा जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग कॉलम में हो, पहले कॉलम पे हमारा सिटी हो, दूसरे कॉलम पे नेम हो, और तीसरे कॉलम पे हमारा क्वांटिटी हो। तो इसके लिए आपको डिजाइन टैब में जाना होगा, और यहाँ लेआउट में टेबलर फॉर्म में सिलेक्ट कर लीजिए, अलग अलग हो जाएगा, ओके। यहाँ भी देखिए जो टोटल है, मैं चाहता हूँ ये टोटल ना दिखे, तो राइट क्लिक कीजिए टोटल के ऊपर, यहाँ पे सब टोटल सिटी को अनचेक कर दीजिए। वापस लाना है, वापस क्लिक कीजिए आ जाएगा, वापस चेक कीजिए चला जाएगा, ओके ठीक है yeah।
अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे जो दिल्ली है वो रिपीट हो जाए, दिल्ली जो है सारा का सारा दिल्ली इसके नीचे इस तरह से रिपीट हो, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम डेटा मेनूबार सॉरी इसमें पिवट टेबल लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, लेआउट माफ कीजिए डिज़ाइन में है, डिज़ाइन में रिपीट ऑल आइटम, ठीक है। आप कभी कभी ये तो और एक जगह भी मिलता है रिपीट ऑल आइटम, अगर आप फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो उधर भी आप कर सकते हैं जी। तो यहाँ आप इस पे आप इंसर्ट ब्लैंक लाइन करेंगे तो यहाँ ब्लैंक लाइन भी आ जाएगा, यहाँ से रिमूव कीजिए हट जाएगा। अब मुझे इस पे मर्ज करना है इसको, बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं मर्ज कर देते हैं ना, डायरेक्ट मर्ज तो कर नहीं सकते, इसके लिए आपको राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे सबसे पहला मर्ज एंड सेंटर होता है। ओके एक चीज़ और भी है कि देखिए दिल्ली ने दिल्ली में मनोज ने 11 8 9 का सेल किया, अब मुझे इसका डेटा चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जाके फिल्टर लगाते हैं ना सर, हम क्या करेंगे जस्ट डबल क्लिक, डबल क्लिक करते हैं उसका डेटा एक नई शीट पे आ कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसका यूज में, हाँ इसका यूज हम मेन शीट में क्या है वो पता चलेगा। हाँ क्या होता था ना सर कि हमें मैं एक बैठा हुआ था डेटाबेस में, मुझे क्या होता था कि अलग अलग लोगों को डेटा भेजनी होती थी, मेरे पास मास्टर डेटा आता था और जैसे कि मान लीजिए लोकेशन आया कि भाई मुझे दिल्ली का डेटा दे दो मुझे इस पर काम करना है, तो मुझे उसको सिर्फ दिल्ली का डेटा देना है दूसरा डेटा नहीं देना है, तो हम दिल्ली ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स होते थे, माना कि 20-25 फिल्टर क्राइटेरिया होता था, तो हम लोग क्या करते थे पिवट में सारे फिल्टर क्राइटेरिया लगा देते थे, जो चाहिए बस डबल क्लिक किया और नई शीट पे आ गई उस शीट को सेव करके भेज दिया, समझे कि नहीं सर? बट एक छोटी मनोज का पूरा, अगर मनोज के उधर सामने क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा मनोज का आ जाएगा जो भी जिसका भी, बट एक प्रॉब्लम है सर बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, समझे, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि डबल क्लिक करेंगे नई सीट पिछला जाएगा, बहुत इरिटेट करेगा ना सर। तो पिवट टेबल ऑप्शन के डेटा में आपके सामने होता है अनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर दीजिए, आप डबल क्लिक करने पे नहीं दिखेगा। ओके क्लियर है? ओके क्लियर। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की, देखिए जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से करते हैं सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पिवट में, लेकिन करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूं कि अगर आपका डेटा चेंजेबल है जैसे कि आपका डेटा रिफ्रेश होता है बार बार, तो क्या होता है कि अगर पिवट आपका साइज इंक्रीज करता है तो आपका फॉर्मेटिंग साइज इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो है वो पिवट से कनेक्टेड थोड़ी है, क्या सर? फॉर्मेटिंग चेंज होता जाएगा। हाँ मतलब कि नहीं समझे कि मान लीजिए मैंने फॉर्मेटिंग किया तो उस समय हमारा ए फील्ड था, तीन फील्ड था, एक और फील्ड ऐड हो गया उसे फॉर्मेटिंग किया, अब एक और फील्ड मान लीजिए मैं एमआरपी में ऐड कर दूंगा, ओके ओके, तो अभी यहाँ फिल्टर दिख रहा है लेकिन कई बार फिल्टर आप यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग दिख रहा है लेकिन बहुत सारे केसेस में फॉर्मेटिंग नहीं आता है। ओके तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम जो डिजाइन है इसके अंदर की जो फॉर्मेटिंग है वो चूज करेंगे, और डिजाइन के अंदर की फॉर्मेटिंग चूज करते हो तो क्या फायदा होता है कि पिवट के साथ इनबिल्ड हो जाता है, ये बार बार चेंज नहीं होगा, राइट सर? तो यहाँ से फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, क्लियर है सर? यस क्लियर। अब बात करते हैं हम शॉर्टिंग के बारे में, अगर डेटा शॉर्ट करना हो तो मैंने राइट क्लिक करके शॉर्ट किया तो मेरा नंबर शॉर्ट होगा, अगर मैं राइट क्लिक करके नेम पे शॉर्ट किया तो नेम शॉर्ट होगा, और सिटी पे किया तो सिटी होगा। अब देखा मैं नेम शॉर्ट किया तो हमारा सिटी थोड़ा भी नहीं ला ना सर। हाँ, हाँ। तो जिसको शॉर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, उसी के फिगर आएगा। सेम आप शॉर्ट कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने एरिया कॉलम एरिया रख दिया और मुझे शॉर्ट करना है तो आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के बाद इसमें मूव होता है, ये नहीं होगा ना शॉर्ट, कहाँ होगा शॉर्ट सर? शॉर्ट हमने अल्फाबेट किया तो ऑलरेडी अल्फाबेट है ही ना सर, सी के बाद ई है फिर एन है, समझे ना? ठीक मैं चेक करता हूँ शॉर्ट जेड टू ए करता हूँ, बोला ना सर? ओके
तो हॉरिजॉन्टल भी शॉर्ट होता है क्या? जी हाँ जी हाँ, ये ना शॉर्ट होगा आपके सामने, लेकिन मान लीजिए कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल है ना, मुझे सबसे फर्स्ट में रखना है, शॉर्ट करोगे अब तो चलो यहाँ सी है इसलिए आ जाता है, लेकिन सी की जगह पे कुछ और हुआ, इससे पहले मान लीजिए कुछ और हुआ तो फिर वो जहाँ भी दो तीन नंबर पे आ जाएगा। हाँ, उसके दो तरीके हैं, पहला है कि आप इसको मूव कर दें, मूव फ्रॉम बिगनिंग, दूसरा एक चीज और भी है कि आप इसके साइड में क्लिक करें और उसको लेते चले जाए। वो मैं करता हूँ, ये मूव फर्स्ट बिगिनिंग ये नहीं पता नहीं था। हाँ, इसमें आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, जीके को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए मूव में बहुत सारा ऑप्शन है, बिगिनिंग अप डाउन लेफ्ट, ठीक है ना। ओके, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके फीचर एक्टिवेट हो जाएंगे, शॉर्ट सॉरी मूव अप डाउन एंड ओके ना सर, लेफ्ट राइट जो भी। हाँ, इसको आप मूव कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग और मूवी समझ में आ गया आपको? यस यस यस। अब बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से दो फिल्टर, लेवल फिल्टर एंड वैल्यू फिल्टर है। लेवल फिल्टर करते हैं तो जो आपकी ये जो नेम है ना इस पर एप्लीकेबल होता है, वैल्यू फिल्टर करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है उस पर एप्लीकेबल होता है। ओके ओके, तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अगर लेवल फिल्टर पे नहीं वैल्यू फिल्टर पे गया और टॉप फाइव सेलेक्ट कर लिया, तो आपका टॉप फाइव टॉप 56 सेलेक्ट हो गया। टॉप 5 सेलेक्ट किया तो टॉप 5 हमारा शॉर्ट हो गया, फिल्टर ओके। तो इसी तरह से फिल्टर आप जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर सकते हैं। जैसे एरिया को मैंने रख दिया इसमें, तो मैं यहाँ एरिया को भी फिल्टर कर सकता हूँ, इसमें भी वैल्यू फिल्टर, इसमें भी आपका लेवल फिल्टर है। ओके, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से कंडीशन लगा सकते हैं, जो कंडीशन आपने बाकी के फिल्टर्स में से पहले की नॉर्मल फिल्टर्स में डेटा फिल्टर्स पे लगाया था ना, सारे कंडीशन यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए एक पेज फिल्टर होता है हमारे पास, मतलब कि मैंने यहाँ सिटी को उठा के फिल्टर में रख दिया तो ये हमारा पेज फिल्टर है। इसको पेज फिल्टर कहते हैं, ठीक है सर। यस, पेज फिल्टर के बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अब ग्रुपिंग की। जैसे मान लीजिए पूजा का सेल है, तो इसमें पूजा देख रहे, पूजा यहाँ है, पूजा के आर शर्मा, बहुत सारे पूजा है, मैं चाहता हूँ सारे इकट्ठा एक जगह हो जाए। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट किया, चारों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने कर दिया ग्रुप, ग्रुप हो गया। अब मैं यहाँ से नेम और नेम टू दिख रहा है, तो नेम टू को रहने देता हूँ, नेम को हटा देता हूँ, ग्रुप वन आ गया, इसके जगह पे आप अपना नाम कुछ भी डाल दीजिए, पूजा। अब ध्यान रखिएगा पिवट के अंदर में आप जो है कॉलम एंड रो के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उसको चेंज कर सकते हो, बट जो कैलकुलेशन होता है रो के अंदर। हाँ, कॉलम से मान लीजिए ना मैंने सिटी को यहाँ रख दिया, अब सिटी मान लीजिए जी जी आपका न्यू दिल्ली है, तो यहाँ न्यू दिल्ली करना है तो आप आसानी से न्यू दिल्ली कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन आप इस वैल्यू को इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेट हो गया है, ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है। ओके, उसी तरह से मान लीजिए मुझे कॉलम को ये करना है, ग्रुप करना है, तो यहाँ पे दिल्ली है हमारा, जीजीएन है और यहाँ नोएडा है, ये दिल्ली एनसीआर होना चाहिए, तो राइट क्लिक किया मैंने ग्रुप कर दिया, अब यहाँ पे ग्रुप वन आ गया सर, यहाँ पे देखिए सिटी सिटी टू आ गया, तो इस सिटी को यहाँ से हटा देता हूँ, ग्रुप वन को रखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीआर। तो ग्रुप समझ में आ गया आपको? यस यस, ये था टेक्स्ट ग्रुप। अब बात करते हैं नंबर्स ग्रुप्स की। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी को रखा, सारे क्वांटिटी दिख गए यहाँ पे। यस, अब मान लीजिए मुझे देखिए 10 पीस जो है एक मिनट, क्वांटिटी नहीं उसका एमआरपी करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 10 पीस 10 रुपये की रेट से हमें 589 सेल किए हैं, 11 रुपये के रेट से 444 सेल किए हैं। इस तरह से सिक्वेंसली रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, हमें स्लैब चाहिए कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो आप जो है नंबर पे क्लिक करें, राइट क्लिक और ग्रुप पे चले जाएं, यहाँ पे आपका मिनिमम
और यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ गया और ग्रुप बाई टेन। तो डेटा का जो मिनिमम इसको चेंज कर सकते हैं, जीरो दस से करके जगह पे जीरो करना चाहते हैं जीरो कर सकते हैं, हंड्रेड जगह पे हंड्रेड करना चाहते हैं हंड्रेड कर सकते हैं, और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं जितना चाहिए उतना। देन ओके कीजिए, देखिए ओके स्लैब में आ गया। यस अब स्लैब को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ टोटल आ जाएगा। लेकिन ग्रुप हमें डेट पे करनी है, क्योंकि जब हम डेट रखते हैं तो यहाँ ग्रुप होके तो आता है लेकिन वो हमारे ढंग से नहीं आता, देख रहे हैं ना सर। मंथ आया, अब मंथ के बाद इसमें जो है डेट है ही नहीं है, तो मैं यहाँ पहले इसको अनग्रुप करता हूँ ताकि सारे डेट्स इकट्ठा आ जाए। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, राइट क्लिक करके ग्रुप किया, ग्रुप में हमने मंथ को सेलेक्ट कर लिया। ओके ठीक है, आ गया सर। मुझे मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए, तो ग्रुप में मंथ और क्वार्टर ले लीजिए, मंथ और क्वार्टर, और यहाँ पे दो फील्ड बन गए। अब इस क्वार्टर को मूव कर सकते हैं कॉलन में आप, ओके समझे। यस यस यस। अब इसमें और चीज आता है कि इसमें ग्रुप में मुझे ईयर भी चाहिए, ईयर एक कर सकते या एक से ज्यादा कर सकते, लेकिन मुझे जो ग्रुप करना है ग्रुप करना है किसमें, डेज में। तो मैं डेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दे दिया 21, सॉरी मुझे 20 दिन का या 15 दिन का मिलना चाहिए। हाँ तो देखिए 15 डेज का ग्रुप हो गया। ओके तो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं, नंबर को, टेक्स्ट को एंड वैल्यू को, तीनों को कर सकते हैं। ओके ओके अब ग्रुप के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन के लिए मुझे थोड़ा सा अलग पिवट बनाना पड़ेगा, इस पिवट से काम नहीं चलेगा क्योंकि तो ग्रुप होने के बाद कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। पिवट में पहले आपने कैलकुलेशन को किया है कि नहीं किया है? हाँ किया। चलिए तो हम भी बताते हैं कि कैलकुलेशन क्या है। इंसर्ट पिवट टेबल, हमने ओके किया। अब ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास नेम है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे yes. मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक और इसके टारगेट का ये मिलेगी, कितना टारगेट है, तो पता चला कि सबका जो है फिक्स टारगेट वो है हमारा 3000। तो यहाँ पे हम टारगेट का डेटा ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 3000 कर लेते हैं। अब पिवट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि तो पिवट के रेंज वो सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है कि हमें पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, चेंज डेटा सोर्स पे जाना है और पिवट को वापस रीसेलेक्ट कर लेना है। ओके आ गया टारगेट। अब यहाँ क्वांटिटी को मैं एक बार और रख सकता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जैसे सेक्शन है जिसमें एक फील्ड को मोर देन वन टाइम आप रख सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आइए और यहाँ आपका जो है देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, सो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन, इसे परसेंटेज ऑफ टारगेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 3000 से सबको डिवाइड कर देगा, आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ठीक है ओके अब मान लीजिए मैं मंथली रिपोर्ट बनाता हूँ, हटाइए मैं एक काम करता हूँ मंथली रिपोर्ट बनाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप मंथ वाइज। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने क्वांटिटी को रख दिया, एक बार और क्वांटिटी रख देता हूँ, मुझे इसका क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रनिंग टोटल आता है, दिख रहा है रनिंग टोटल आपने, 3000 जुड़ गया, फिर जुड़ गया, फिर जुड़ गया। आप इसको परसेंटेज करना चाहते हैं कि परसेंटेज में आए, रनिंग टोटल परसेंटेज कर दीजिए तो बता देगा कि परसेंटेज क्या है। पहला 7% था, फिर 18%, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100% तक पहुंचा। ठीक है सर। यस तो इसमें आप एक चीज़ और होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए एरिया ले लिया और यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया। अब देखिए ध्यान रखिए, ये जो टोटल आता है आपको रो टोटल कहलाता है, ये जो आता है ये आपका कॉलम टोटल, ये आपका ग्राउंड टोटल कहलाता है। जब मान लीजिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें ऊपर में दिखता है परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल,
आपने परसेंटेज ऑफ ग्रांट ऑर्डर सेलेक्ट किया तो 40,000 से सब नंबर डिवाइड हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। आपने कॉलम टोटल किया तो हर कॉलम का जो अलग अलग टोटल है उस कॉलम को डिवाइड कर देगा और इस हिसाब से परसेंटेज आएगा। ओके, रो टोटल है तो जो रो के टोटल से उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा और आपके टोटल से आएंगे। तो उसके साथ किसको डिवाइड करेगा वो? सारे नंबर्स को, जैसे आपने कर दिया कॉलम टोटल, ठीक है ना? ओके, तो पहले कॉलम में क्या है 7348 है, तो 834 को 73 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, 832 को 7348 से करेगा, ऐसे जितने भी नंबर से सबको इसके टोटल से कर देगा, इसके नंबर इसके टोटल से कर देगा, इन नंबर्स को इसके टोटल से कर देगा। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ आपके जो है सारे कैलकुलेशंस हैं, आप अप्लाई करके देखिएगा, जो आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है सर? ओके, अब बात करते हैं कॉलम कैलकुलेशन की। जैसे कि मेरे सामने मैंने यहाँ पे नेम रखा है, मैं डेटा हटा देता हूँ, नेम है, नेम के बाद मेरे पास क्वांटिटी है और मैंने यहाँ पे एमआरपी रखा हुआ है। एमआरपी का टोटल निकालना सही नहीं, इसलिए मैंने इसको एवरेज कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास डेटा है, मेरे डेटा में टोटल तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 20 रुपीज़ जो दिख रहा है, एक मैंने 84 पीस 20 रुपीज़ के हिसाब से बिका है, 20 रुपीज़ का अमाउंट नहीं है, इसका एमआरपी है एक एक पीस का। ओके ओके, तो मुझे इसका टोटल चाहिए जो कि होगा 84 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 20। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेटा में कर रहे हैं, मुझे डेटा में नहीं चाहिए सर, मैं डेटा में नहीं चाहिए। हम चाहते पिवट में हो, क्योंकि डेटा हमारा चेंजेबल है तो नहीं होगा। तो उसके लिए पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, फील्ड आइटम कैलकुलेट में, हम कैलकुलेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम टोटल का हेडिंग देते हैं, यहाँ पे हम अपना क्वांटिटी को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एमआरपी लेंगे, देन ऐड करेंगे, देन ओके आ गया। यस, मुझे इस पे जीएसटी निकालना है तो मैं यहाँ पे जीएसटी और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल का 18% आ गया सर। ऐसे मुझे राउंड फिगर में टोटल चाहिए, मतलब कि सम ऑफ जीएसटी, मतलब ये जीएसटी ऐड होके आ गए क्या? नहीं, जीएसटी ये तो कैलकुलेट हुआ है ना सर, इसका 18% ये 6224 का 18%। ओके ओके ओके, जी टोटल अब ऐड यहाँ होगा, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, टोटल में प्लस करूँगा इसके जीएसटी, देन ओके ओके। अच्छा, ये हमें मिल रहा है पिवट टेबल नहीं, फील्ड आइटम एंड सेट में। जी हाँ जी हाँ, ओके। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूलेज की। ठीक ठीक, इसमें जो एडवांस फॉर्मूले वगैरह है वो हम आपको कल की क्लास में बताएंगे सर। ठीक है, ठीक, मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक, या सेम।